Students, very good morning. We were doing, before starting the chapter, let me make it sure that am I audible to everybody or not? Am I audible to everybody? Can you see the board? Chalo, who will answer this? Those who are still with the, without me, audio, video, I'm telling you all to keep your videos on. Dilshant Kumar Molly, I'm unmuting you. Tell me whether you can see the board and am I audible to you also? Dilshant Molly? Yes, ma'am. Am I audible to you? Yes, ma'am. Maps, yes, ma'am. Okay. And can you see the board behind me? Yes, ma'am. सही से दिख रहा है? Yes, ma'am. Very good. Okay. So, today we will be coming to school. I'll be using the school board so that you get the feeling of the class, you get the feeling of the class ambience. Okay. Now, students, yesterday we were doing the harmful insects. We started chapter. Unmute कर लें ग्रेशन मॉली, if you can hear me. अपने आप को mute कर. Okay. So, day before yesterday, sorry, last Saturday, Friday, we started insects. हमने बताया था कि insects are the innumerous in numbers. They are innumerous in numbers. इनके numbers बहुत ज़्यादा हैं हमारे living being में. ये सबसे ज़्यादा quantity में पाए जाते हैं, quality में पाए जाते हैं. Then, the insects have been divided into two categories, useful insects and harmful insects. Depending upon their uses, हमने उसको दो कैटेगरीज में डाला है. एक यूजफुल इंसेक्ट जो कि यूजफुल है और जो कि हम उनको यूज करते हैं, एंड द नेक्स्ट वन इज हार्मफुल इंसेक्ट. हम लोग यूजफुल इंसेक्ट पढ़ चुके थे द लास्ट क्लास. वी स्टडीड कि इन यूजफुल इंसेक्ट्स में आपको हनी बी था, लैक था, सिल्क मॉथ था, एंड देन वी हैड और क्या था मुझे बताएंगे कोई? हम लोगों ने सिल्क मॉथ पढ़ा है, हनी भी पढ़ा है, यूजफुल इंसेक्ट में हमने लैक पढ़ा है, और एक और पढ़ा था. कैन यू नेम दैट इंसेक्ट जो कि पेस्ट को खाता है? आई एम गोइंग टू अनम्यूट या आरोही रंजन ने हाथ उठाया. आरोही बताइए. आरोही रंजन, लेडी बर्ड मैम, लेडी बर्ड. आरोही रंजन, यस मैम, इट इज लेडी बर्ड. ओके, यस मैम. आरोही अपने आप को म्यूट करो, अपने आप को म्यूट करो. ओके, आने दे, अनम्यूट करेंगे अपने आप को. ओके, म्यूटेड है आने दे मेरे साथ. नाउ सी आने दे, माय बोर्ड इज क्लियर टू यू पीपल? यस मैम. व्हाट इज रिटन ऑन इट? यस मैम, क्लियर. व्हाट इज रिटन ऑन इट? इंसेक्ट. वेरी गुड. नाउ इंसेक्ट्स हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, है ना? इंसेक्ट्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, यूजफुल इंसेक्ट एंड हार्मफुल इंसेक्ट. सही है? इज इट राइट? दिस हार्मफुल इंसेक्ट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज. कैन यू नेम दैट? कैन यू नेम दो कैटेगरी? हमने कल बताया था आपको मैम, स्टिंगिंग इंसेक्ट एंड डिजीज स्प्रेडिंग इंसेक्ट. वेरी गुड. सो इट वॉज डिजीज spreading and this was stinging insect. Hope you can see the board. You can see the board? Yes, ma'am. Okay. Now, yesterday we started the disease spreading insects. शुरू किया था ना? इसमें ये बताया था कि there are certain insects, कुछ ऐसे insects हैं जो कि disease को spread करते हैं. They don't cause disease, but they spread disease. They are the cause. They become the agent of. आने दे, थोड़ा आवाज कम करेंगे, है ना? आपकी ये खटपट आवाज आ रही है. तो डिजीज स्प्रेडिंग है ये हमारे डिजीज को ये स्प्रेड करते हैं. दे बिकम द एजेंट ऑफ स्प्रेडिंग द डिजीजेस. ये एजेंट हैं हमारे डिजीज स्प्रेडिंग के, है ना? जैसे कि बरसात के दिनों में यू आर वेरी मच एक्वाइंटेड विद द हाउस फ्लाई. हाउस फ्लाई से एक्वाइंटेड है हम लोग, सारे बच्चे एक्वाइंटेड है. संजना को भी मैं अनम्यूट कर रही हूँ. मेरे साथ अनम्यूट हो जाओ संजना. संजना अनम्यूटेड है. ओके, आवाज नहीं. ओके, सो
ड्यूरिंग विंटर रेनी सीजन क्या होता है, यू गेट अ लॉट ऑफ हाउस फ्लाइज एंड दे आर वन ऑफ द रीजन फॉर कॉलेरा विच इज अ डिजीज, ऐसा डिजीज जो कि कॉन्टामिनेटेड वाटर या कॉन्टामिनेटेड फूड खाने से होता है. फॉर दैट यू मस्ट नो वॉट डज कॉन्टामिनेटेड मीन. कॉन्टामिनेटेड मतलब क्या होता है, वॉट इज कॉन्टामिनेशन, कंटामिनेशन मतलब पोल्यूटेड हो जाना. हम तो पोल्यूट नहीं करेंगे, हम जो पानी पिएंगे हम क्या पोल्यूट करेंगे उसे, हम तो चाहेंगे उसको प्योर करना. एंड दिस इज द रीजन हम अक्वा गार्ड लगाते हैं, हम प्योरीफायर लगाते हैं. तो ये कॉन्टामिनेटेड होता कैसे, हाउ डज इट बिकम कॉन्टामिनेटेड. तो ये कॉन्टामिनेटेड होता है कि हाउस फ्लाइज के जो लेग्स हैं, द लेग्स ऑफ द हाउस फ्लाई, मैंने आपको उसमें बताया था, मैं आपको म्यूट कर रही हूँ. हाउस फ्लाइज के जो लेग्स हैं, इट हैज गॉट हेयर्स, बहुत छोटे छोटे हेयर्स हैं. ओके, एंड व्हेन दे सिट ऑन एनी ऑफ द एनिमल एक्सक्रीटा और व्हेन दे सिट ऑन द गार्बेजेस, ये जो जर्म्स हैं, दे गेट स्टिक टू देयर लेग्स, दे गेट स्टिक टू देयर विंग्स. एंड वापस जैसे पॉलिनेशन में ये करते हैं, यही काम यहाँ भी करते हैं. जब ये फिर फ्लाई करेंगे, व्हेन इट विल फ्लाई टू सम अदर फूड आइटम्स, अंडे खाने में बैठ गए, कटे हुए फूड के ऊपर बैठ गए, कटे हुए फ्रूट्स के ऊपर बैठ गए, व्हाट विल हैपन टू इट, वहां पे जाके एक्सक्रीटा को फेंक दें, वहां ये गिर जाएंगे. नहीं पता, आई एम नॉट नोइंग, आई एम अनटोन ऑफ इट, हमने उस कॉन्टामिनेटेड फूड को खा लिया विच कैरिड द जर्म्स, हमारे स्टमक में ये पहुंच गया एंड इट बिकेम वन ऑफ द रीजन फॉर आवर सिकनेस. हमने कॉन्टामिनेटेड फूड खाया एंड वी गॉट डिजीज कॉल्ड कॉलेरा. ठीक है, ओके. चलो मैं थोड़ा सा अनिद्या को क्लास से अभी दूसरे बच्चों को लेती ज्वाइन करवाती हूँ. ठीक है, अनिद्या अनम्यूट हो जाएंगे, म्यूट कर लेंगे अपने आप को. नेक्स्ट कौशिकी आप अनम्यूटेड हैं हमारे साथ. ओके ओके, तो ये था हाउस फ्लाई. देन कम्स दूसरा डिजीज स्प्रेडिंग इंसेक्ट एंड दैट इज मस्कीटो. रिमेम्बर हमने कल बताया था कि अ स्पेशल ब्रीड ऑफ मस्कीटो, देयर इज अ स्पेशल ब्रीड ऑफ मस्कीटो जो कि हमें दो बहुत भयंकर डिजीज करते हैं. कैन यू नेम दैट कौशिकी, कैन यू नेम दैट, क्या आप उसका नाम बता सकेंगे मुझे, थोड़ा जोर से बोलो, बी लाउडर बिट, आपकी आवाज बहुत क्लियरली नहीं आ रही. हाँ बोलो. मॉस्किटो एंड हाउस फ्लाई, मस्कीटोज के ही दो ब्रीड, दो ऐसे टिपिकल टाइप ऑफ मस्कीटो व्हिच कॉजेस डिजीज. संजना साउंड इज नॉट कमिंग. ओके, आई एम नॉट, माय साउंड मैम डेंगू और मलेरिया. ओके, दीस आर टू डिजीजेस. यस संजना इज योर राइट, डेंगू एंड मलेरिया आर टू डिजीजेस व्हिच आर कॉज्ड बाय अ स्पेसिफिक मस्कीटो. Sanjana, can you name which mosquito causes dengue? Ma'am, female anopheles mosquito. No, sorry dear, sorry. It is female anopheles mosquito causes malaria. And dengue Aedes mosquito. Very good. It is Aedes mosquito. So boys and girls, keep your book in front of you before when the teacher is teaching to you, because I don't know whether you are you have revised whatever being taught or not. मुझे ये इस चीज का पता नहीं है, तो इस चीज को ध्यान रखें कि आप बुक के साथ रहें. Okay, तो हम लोगों ने कल जो देखा था उसमें देखा था कि there are two disease spreading mosquitoes. First was Aedes mosquito, जो कि डेंगू फैलाता है, and there is another mosquito called female anopheles mosquito which spreads malaria. How does it spread malaria? Ye bhi bataya tha ki female anopheles mosquito is a carrier of malaria. Mainly I have got malaria, I'm suffering from malaria. Okay, now ye aapko pata hai ki insects like mosquitoes and nobody is talking. Who is that? And again, you're in the class. Okay, तो जैसे माना, मैंने बताया कि इफ आई एम सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, आप म्यूट कर ले. संजना आपकी तरफ से आवाज आ रही है, संजना एंड कौशिकी दोनों म्यूट कर लो, मुझे जरूरत पड़ी कि मैं आपको अनम्यूट कर लूंगा.
मुझे जरूरत हो कि मैं आपको अनम्यूट कर लूं, म्यूटेड वी आर इन द स्कूल वी आर इन द क्लास मस्ट मेंटेन द सैंक्टिटी ऑफ ओके ओके सो जो मैं बता रही थी दे आर द एजेंट्स दीज मस्किटोज आर द एजेंट्स ऑफ इट तो फॉर एग्जाम्पल आई एम सफरिंग फॉर मलेरिया ओके मैं मलेरिया से सफर कर रही हूँ और द एडिस द एनोफिलस मस्कीटा मस्कीटो गिव्स अ बाइट ऑन मी मुझे वो काटता है व्हाइल बाइटिंग जब वो बाइट करेगा व्हाट फॉर इट्स बाइटिंग फॉर सकिंग द ब्लड बिकॉज इट्स फूड उसका फूड है तो व्हेन यू विल सक इट्स फूड माय ब्लड तो वहां से वो ब्लड सक कर लिया एंड ही इट फ्लू वो उड़ता चला गया एंड इट फ्लू एंड गिव अ बाइट टू समबडी विच इज हु इज हेल्दी ठीक है ना मैंने कल बताया था कि अनिद्या को मेरा काटा हुआ मच्छर काटेगा तो अनिद्या भी को भी हो जाएगा यस इट हैपेंस लाइक दैट ओनली तो वो जब उसको सक करेगा ब्लड को अ पार्ट ऑफ द ब्लड कैन गेट इनसाइड दैट हेल्दी पर्सन्स बॉडी एंड इट कैन ही और शी कैन गेट इन्फेक्टेड ठीक है ना तो ये था तो वो बर्ड वो इंसेक्ट्स के बारे में जो जिनके की दोज हु कैन फ्लाई बट एक और थिंग एक और डिजीज कॉजिंग इंसेक्ट है इसको हम लोग क्या कहते हैं चलो गिरशन मॉली मेरे साथ अनम्यूटेड है गिरशन बताओ डू यू हैव द बुक विद यू यस मैम तो पढ़ो उसके बाद क्या किसके बारे में बात की गई है उसके बाद एक और डिजीज कॉजिंग इंसेक्ट की बात की गई है व्हाट इज दैट मैम डेंगू डेंगू मलेरिया तो हो चुका मच्छरों की बात हो गई हमने मक्खियों की बातें कर ली एक और इंसेक्ट की बात की गई है जो कि डिजीज कॉज करता है मैम फ्लीज फ्लीज नाउ वेरी गुड द वन मोर इज फ्लीज नाउ टेल मी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड कॉल्ड फ्लीज आप इससे क्या समझते हैं व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस मैम फ्लीज आर द इंसेक्ट्स डिजीज स्प्रेडिंग इंसेक्ट्स मैम ये सब के पास ना इन सब का पंख इन ये सब फ्लाई नहीं कर सकता है और जो डिजीज स्प्रेड करता है लेकिन फ्लाई नहीं कर सकता उसको फ्लीज कहते हैं ओके अच्छा इसको आपको इंग्लिश में बोलने में दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए थी थोड़ा सा ट्राई करें गिव अ ट्राई टू गिव द आंसर इन इंग्लिश डिजीज कॉजिंग इंसेक्ट्स दीज आर द विंगलेस इंसेक्ट्स ये विंगलेस हैं बट दे आर द ब्लड सकर्स दे सक योर ब्लड They suck your blood and they're the wingless insects. ठीक है? I call fleas. Yes. तो आपको बताया गया था कि आपको head lice is also an insect जो आपके body में रहता है सर के ऊपर किसी ने कल मुझे chatting में किया था what is head lice? Head lice आपके सरों में जो जूम होता है sorry आपके सरों में नहीं पर जो सरों में जूम होता है उसको हम लोग head lice कहते हैं. They don't have the wings. They don't fly. वो उड़ते नहीं हैं. But they are the blood suckers. वो आपके blood को suck करते हैं. Okay. चलो बॉयज एंड गर्ल्स आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन सो दैट आई कैन आल्सो टॉक विद यू विद योर बुक बिकॉज़ आई एम नॉट हैविंग द बुक राइट नाउ आई विल मैनेज टू गेट द बुक टुडे इटसेल्फ ओके नाउ कम्स लेट मी शेयर माय स्क्रीन और समबडी रीड आउट फॉर मी कोई मुझे मेरे लिए पढ़ लो उसको क्योंकि हम लोग अब पढ़ेंगे स्टिंगिंग इंसेक्ट किसी और को चांस दें अनिद्या किसी और को भी चांस दे देते हैं ना साक्षी इज देयर साक्षी चलो अनम्यूटेड है आप मेरे साथ आ जाइए साक्षी कम टू विद मी स्पीक अ वर्ड एंड यू विल कम ऑन द स्क्रीन स्पीक अ वर्ड एंड यू विल कम ऑन स्क्रीन साक्षी आर यू अनम्यूटेड यस आप एक शब्द बोलेंगे आप स्क्रीन पे आ जाएंगे चलिए स्टार्ट सेइंग सिंगिंग इंसेक्ट पढ़ना शुरू करो साक्षी आपकी आवाज नहीं आ रही है साक्षी योर नॉट साउंड इज नॉट कमिंग साक्षी आप बोल रहे हैं यहाँ स्पीकर अप डाउन हो रहा है बट योर साउंड इज एब्सोल्युटली नॉट कमिंग कुछ भी आवाज नहीं आ रही है ओके लेट मी गिव अ चांस टू समबडी एल्स देन आप अपने आप को म्यूट कर लें मैं किसी और को थोड़ा चांस दे देती हूँ ताकि वो भी क्लास को एंजॉय कर सके उधर चोकनी आयु दे अनम्यूट योरसेल्फ उधर उधर यस मैम
ओके स्पीक अप सिंगिंग इनसेट पढ़ना शुरू करो स्टार्ट सिंगिंग इनसेट पढ़ना शुरू कीजिए सम इंसेक्ट लाइक बी एंड वॉस्प सिटिंग सिटिंग इज लोकेटेड एट द बैक ऑफ द इंसेक्ट इट इज ऑफन फिर से पढ़ो फिर से एंड स्पीक इट अप अगेन फिर से पढ़िए यू आर रीडिंग टू इट अगेन Some insects like bee and wasp sitting. A sitting is located at the back of the insect. What is sitting? Okay, for that, I think I have to share my screen only because otherwise I will not be able to talk to you people. Okay, let me share my screen with you. Yes, this was disease causing insect. सिंगिंग इंसेक्ट उधर अपने आप को म्यूट कर लो उधर अपने आप को म्यूट करें सम इंसेक्ट्स लाइक बी एंड वास्प स्टिंग स्टिंग मतलब काटता है ना अ स्टिंग इज लोकेटेड एट द बैक ऑफ द इंसेक्ट एंड इट्स ऑफन पॉइजनस एंड कॉज पेन एंड रेडनेस इन द स्किन कभी किसी को काटा है कभी किसी को काटा है कोई मधुमक्खी या हड्डा किसी को काट हु इज डूइंग दिस मोहित राज आप स्क्रीन पे हाथ देंगे यहाँ पे आ जाएगा इसलिए आप नहीं करेंगे स्क्रीन पे हाथ नहीं देंगे ओके सी तो कभी किसी को काटा है हैव यू एवर फेल्ट दिस इट्स अ वेरी पेनफुल अगर कभी किसी को स्टिंग काटता है सॉरी इंसेक्ट काटता है जैसे बीज हो वैस्प हो अगर ये काटता है So it has this insects have got the sting at its back position. इसके जो sting होते हैं इसके back पे होते हैं. और क्या होता है? जब ये काटता है, it is often very poisonous. कभी-कभी ये poisonous भी होता है. It's not every time it's not very poisonous, but many times it is poisonous. वो वहाँ पे swelling हो जाती है. It causes pain and redness in the skin. Okay, so you can see here. This is the wasp. I am sharing my screen, so you might be seeing that. You can see the wasp over here and see this is the sting see ye uska sting hai at the back of it and similarly honeybees ke bhi sting jo hai yahan pe hai dekho can you see this okay this is the sting and this is the sting over here इनके भी ये स्टिंग होते हैं जब ये काटता है पहले तो ये जान के कोई भी एनिमल नो एनिमल बाइट्स बाय इटसेल्फ खुद से नहीं बाइट करता फॉर दैट अंडर अनलेस आप उनको प्रोवोक करें आप अगर प्रोवोक करेंगे उसे उन्हें चोट पहुंचाएंगे देन ओनली इट गिव्स इन रिटर्न आपको कुछ देगा वो अदरवाइज ये आपको चोट नहीं पहुंचाता है ठीक है ना तो ये उनके स्टिंग है लेकिन ये पॉइजनस है तो ये हमारे लिए हार्मफुल है हमारे लिए हार्मफुल है बिकॉज अगर ये इट गिव्स अ बाइट हमारे हाथों में डांट काटे हमारे पैरों में काटे कहीं भी काटे वहां पे देखेंगे कि वो अपना स्टिंग वहां छोड़ देता है तो मामा लोग क्या करती है तुरंत लोहा वोहा रगड़ती है ताकि उसके स्टिंग बाहर आ जाए अगर आपने कभी एक्सपीरियंस किया है तो इट्स वेरी हॉरिबल एक्सपीरियंस ना करे बेटर है भगवान ना करे कभी आप इस तरह का इसमें ये करें बट इट्स वेरी पॉजिटिव वो स्मेल कर जाता है इट बिकम्स रेड ऑन ओके सो इट इज First is stinging insect जो हम लोगों ने बताया था ये हमारे bees and wasp हैं जो कि क्या करते हैं हमें काट डालते हैं इसमें एक do you know की तरह ही छोटा सा portion दिया है you must read this out and keep in your mind क्योंकि ये do you know जो है ये many times आता है every insect has got three pairs of legs बताया गया था शुरू में ही आपको am I audible everybody मैं सुनाई okay चलो very good तो आप जान के रखिए एवरी इंसेक्ट हैज गॉट सिक्स लेग्स टोटल सिक्स लेग्स थ्री पेयर्स बट इंसेक्ट अमंग इंसेक्ट स्पाइडर इज अ इंसेक्ट व्हिच हैज गॉट
eight legs. Exceptions hain. There is an exception. The spider has got eight legs in all. इनके सिक्स होते हैं, सबके सिक्स होते हैं. तो आज गिव अ ट्राई टू इट. कोई एक स्पाइडर पकड़ के देखते हैं हम लोग. ऐसा कोई हार्ड वार्ड तो नहीं होता बच्चे, डोंट ट्राई इट. कोशिश मत करना कि मकड़ा पकड़ के देख रहे हो. नो, बट यू मस्ट नो दैट, एक्सक्यूज मी, यू मस्ट नो दैट स्पाइडर हैज गॉट एट लेग्स. आठ पांव होते हैं इसके. स्पाइडर इज नॉट एन इंसेक्ट, इट हैज गॉट एट लेग्स, वेयर इंसेक्ट्स हैव गॉट सिक्स. इट कैचेस वेरियस इंसेक्ट्स फॉर इट्स फूड. स्पाइडर सीक्रीट्स अ लिक्विड फ्रॉम इट्स माउथ which changes into a very thin thread when it comes in contact with the air. It weaves the thread into a web. तभी क्या अभी दिवाली का समय आएगा ना, तो माँ लोग जाला साफ करेंगी, करेंगी ना, तो आप देखेंगे कि वो क्या करता है, जो web क्या कहते हैं उसको, जो spider होता है वो अपने मुंह से एक liquid निकालता है, जो as soon as जो हवा में contact में आता है वो thread में convert हो जाता है. तो इससे वो देखोगे वो अपने ही जाले में स्विंग करता है. कभी देखा है? Have you ever noticed? Have you ever noticed? राधिका रंजन सीधा बैठ जाओ और मुझे जवाब. कभी देखा है? Have you seen spider? Yes, ma'am. Have you seen spider making the web? Web बनाते हुए देखा है? No, ma'am. Web बनाते तो नहीं देखा, सिर्फ देख ऐसे ऐसे देखा है. लेकिन कभी कभी देखोगे कि वो ऊपर से नीचे आ रहा होता है, आपको लगता है कि अरे ये हवा में है. ये बहुत माइन्यूट जब देखते हैं तो एक पतला सा धागा पकड़ के वो चढ़ता होता है और फिर उतरता होता है. दैट इज द वेब. ये उसके उसके माउथ से निकला वो सिक्रीशन है. इट इज अ सिक्रीशन फ्रॉम इट्स माउथ विच चेंजेस इनटू अ थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. और वो इसी पे वो आगे और पीछे बैठता और वो वेब बनाता है. ओके, द थ्रेड इज सो थिन, ये हमें ही नहीं चलता तो उसकी तो बात ही अलग है. द थ्रेड इज सो थिन दैट इंसेक्ट कैन नॉट सी द वेब. ये थ्रेड इतना पतला होता है, इतना पतला होता है कि इंसेक्ट उसको नहीं देखता है और उसके जाले में फंस जाता है. और उसके बाद फिर तो ट्रीट है, पार्टी तो बनती है, फिर तो स्पाइडर का ट्रीट हो जाता है. अब उस जाले में उसको इंसेक्ट फंस जाएगा तो उसके तो ट्रीट हो गई. अब उसे कुछ नहीं करना पड़ा, जो उस जाले में फंसा गया. तो स्पाइडर इज नॉट एन इंसेक्ट, क्योंकि वो इंसेक्ट ही खाता है. इंसेक्ट के छह लेग होते हैं, इसके आठ लेग होते हैं. ओके, क्लियर? मेनी अ टाइम्स दिस क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड टू एवरीबॉडी. ये मुझे हमें बताएं, नेम एन इंसेक्ट, इज अ स्पाइडर इंसेक्ट, हाउ मेनी लेग्स डू इट डज इट हैव. द स्पाइडर इज नॉट एन इंसेक्ट, इट हैज एट लेग्स इन ऑल. स्पाइडर हैज गॉट एट लेग्स, अदरवाइज अदर स्पाइडर अदर इंसेक्ट्स हैव गॉट सिक्स लेग्स. नाउ सेविंग आवरसेल्फ फ्रॉम हार्मफुल इंसेक्ट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम कैसे सेव करेंगे अपने आप को हार्मफुल इंसेक्ट से. चलो देखिए. ओके, एक मिनट, मैं इसको थोड़ा मिटा दूं. सी, वी कैन गेट रिड ऑफ हार्मफुल इंसेक्ट्स बाय यूजिंग नेचुरल मेथड. मच्छर काटेगा, मम्मी क्या करती है, लिक्विडेटर्स लगा देती है, लगाती है ना, गुड नाइट कॉइल लगाता है या फिर लिक्विडेटर्स लगाती है. और बेस्ट तरीका है वी टेक अ मस्कीटो नेट, हम मस्कीटो नेट लगा देते हैं. नाउ वी ऑफन कीप बाय यूजिंग केमिकल्स यूज कर सकते हैं, लाइक इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स. हम नेचुरल मेथड से यूज कर सकते हैं. एंड वी ऑफन कीप ड्राई नीम लीव्स इन क्लोथ्स एंड अप्लाई नीम और केरोसिन ऑयल ऑन द वुडन फर्नीचर्स. दिस हेल्प देम टू सेव फ्रॉम द हार्मफुल इंसेक्ट्स. फार्मर्स समटाइम्स यूज पेस्टिसाइड्स फॉर सेविंग द क्रॉप्स. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट हाउ कैन वी सेव आवर इंसेक्ट्स, आवरसेल्फ फ्रॉम इंसेक्ट्स. मच्छर बहुत है, हमने नेट लगा लिया, हमने मस्कीटो रेपेलेंट्स लगा ली. या फिर देयर इज अ ट्री कॉल्ड यूकेलिप्टस. आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर अक्वाइंटेड विद दिस वर्ड. यूकेलिप्टस इज अ ट्री, एक ऐसा ट्री है कि ये पत्ते से, अगर उनको पत्ते को जलाया जाए तो इनके पत्ते जो है वो क्या है, ये मस्कीटो रेपेलेंट का काम करते हैं. आप सूखी पत्तियां नहीं, आप कच्ची पत्तियों को भी जला सकते. It has got oil in it, which save us from mosquitoes. So how can we save? The natural method से करते हैं. अभी आप लोग class 3 में पढ़ा था leaf का use. उसमें ये बताया गया था कि there are certain leaves which are used as medicine. इसमें आपने पढ़ा है कि dry neem leaf. तो dry neem leaf है. They are kept in the clothes. They are kept inside the
वो हमारे जो अनाज होते हैं उसमें भी डालते हैं हमने मिर्ची या नीम के पत्ते ताकि इंसेक्ट्स ना लगे, है ना। तो दीज आर द नेचुरल मेथड ऑफ सेविंग आवर सेल्स फ्रॉम द इंसेक्ट्स। सो दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर व्हिच वी स्टार्टेड लास्ट वीक। बॉयज एंड गर्ल्स, नाउ इट्स योर टर्न, यू हैव टू कंप्लीट योर वर्क बाय टाइम। हमने आपसे कल कहा था कि यू हैव ड्रॉ टू हार्मफुल इंसेक्ट्स, आई होप यू हैव डन इट। Tomorrow we'll be doing the question answers. Do I have any class tomorrow? Yes, I have the class with you tomorrow also. So we'll be doing the question answers. Today we'll be doing A, B, C. A, B and C. Ye hum apne book ka karenge. So everybody, those who are having the book, take out your book along with your pencil and your pen. Rubber. Take out. Take out your pencil and rubber. All of you. Something to do. One more thing. You have to write the keywords also. Those who have not written, make it a practice. कि आपको keywords लिखना है. It's a very important. ये आपके आपके class आपके उस lesson के keywords हैं. So you must write to it. चलो. The very first thing is fill in the blanks. So Yangsh, अपना आपको mute करो. Mute करो. आपकी आवाज आ रही है. Okay, chalo. Fill in the blanks. Number one, butterflies are attracted towards the, who will give the answer? Radhika Ranjan, first word, butterflies are attracted towards, kya hoga? Radhika, bolu, first fill in the blanks. Butterflies are attracted to dash flowers. Can you answer? If not, pass it. Fresh flowers. Very good. Number one, write down fresh. F-R-E-S-H. Fresh. Word. Fresh. Ye one, A ka one hai. Fresh. Number two. अपने आप को म्यूट करेंगी राधिका, म्यूट करो। नेक्स्ट आराध्य वर्मा, अनम्यूट योरसेल्फ, अनम्यूट योरसेल्फ। राधिका, आराध्य मैं आपको फोन करती हूँ तो मुझे मेरा ही आवाज इको क्यों आता है? सॉरी, ये आप डिस्टर्बेंस हो जाएगा। समीक्षा, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। समीक्षा अनम्यूट करो। नंबर टू, हनी बी सक डैश डैश फ्रॉम फ्लावर्स। हनी बी सक डैश फ्रॉम फ्लावर्स। श्रेया चंद्रा अनम्यूट योरसेल्फ। श्रेया चंद्रा अनम्यूट योरसेल्फ। म्यूट किया आपने? ओके, चलो। यू डोंट टेक, यू आर टेकिंग टू मच ऑफ टाइम। अनिता बोलो, अनिता बोलो, व्हाट इज दिस सेकंड वर्ड? हनी बी सक डैश फ्रॉम द फ्लावर्स। नेक्टर। इट इज नेक्टर, राइट? नेक्टर, NECTAR. You can take the help of your board if you don't know the spelling of it. You can take the help of the board, everybody. If you have any doubt in the spelling, you can take the help of it. Number third. Number third. Mute karenge Anidhi apne aapko. Vanshika Sharma, unmute yourself. Vanshika, unmute karo apne aapko. Yes, ma'am. Okay, the third one. Read it out. Ma'am. The six-sided chambers of beehive are called combs. Spelling batao. Spell batao. C-O-M-B-S. Okay, the six-sided chambers. The hexagonal chamber of the beehive is called combs. C-O-M-B-S. Very good. Number four. Number four. Malaria is spread by the bite of. Malaria is spread by the bite of female. चलो आप ही बता दो इसका आंसर पहले। आप आंसर बता दो। मैम
हाँ जी बताओ मलेरिया. हाँ बोलो. एनोफिलियस मॉस्किटो. सॉरी मेरे साथ बोलो. एनोफिलस. 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 वेरी गुड. स्पेलिंग लिखो. ए एन ओ पी एच ई एल ई एस. फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो. इट इज फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो. स्पेलिंग के लिए बोर्ड देखेंगे. Look at the board, everybody. If you can see that. Dikh raha hai Anitya? Can you see the board clearly? Very good. Next. Maine Anitya se isse puchhi because she is giving the answer quickly. Others are waiting for the answer. Wo bura nahi lagna chahiye kisi ko bhi ki ma'am Anitya se kyun puch rahi hai? Because she is giving the answer right now. Jaise main puch rahi hu, wo jawab de rahi hai. So try to give the answer to me. We cooperate the teachers also. Next. Female anopheles mosquito bhi likhenge because mosquito is not written. Okay, next is the cover weaved by the silk moth around itself is called. Ab iska jawab mujhe Suryansh dega. Suryansh, unmute kiya maine mera beta. Chalo Suryansh bataiye. Answer this dijiye. The cover weaved by the silk moth around itself, jisse wo apne aap ko pura cover up karta hai. Aap unmuted nahi hue hain, unmute kare apne aap ko pehle. वो कवर जिससे कि वो अपने आप को पूरा कवर अप करता है. व्हाट डू वी कॉल दैट मैम? कोकून. दिस कोकून. स्पेलिंग बताओगे? सी ओ सी ओ ओ एन. वेरी गुड. यस इट इज कोकून. सी ओ सी डबल ओ एन. कोकून. ओके एंड द लास्ट वन. एंड द लास्ट वन एक्चुअली आई एम हैविंग द I am having it in my mobile. That is why I have to see it in mobile because aap to book laye ho. Okay. Yes, last one. Bees. Suryansh, apne aap ko band karo. Bees and dash are the stinging insect. Bees and dash. Manas jha. Chal. Manas unmute karo apne aap ko. Bees and dash are stinging insect. Kya hoga? Dusra stinging insect kya hai? Spelling bata dijiye. W-A-S-P. Very good. It is W-A-S-P. Very good. So this was all about the fill in the blanks. Ye fill in the blanks hai. Chalo. Next, number two. True and false. Isme main bata deti hu aapko. Agar aapko kahin pe doubt ho, you can ask. Okay? And we are running short of time also. We are running short of time. It is four. We have got only 4 minutes time left with us. So isko fatafat kar lete hain. Insects help in pollination. True or false? Manas. True or false? Insects help in pollination. Is it true or false? True. It is true. Arey, be confident, yar. Aram se bolenge, confidently bolenge. Baar baar bataya gaya hai. Yes. Insects help in pollination. It is true. Right? T for true. Lack insects grow on banyan tree. Lack insects grow on banyan tree. Am I right? Is it true or false? True. Again true. Confidence nahi aata Manas tumhari awaaz mein. Confidence honi chahiye when you are giving the answer. Agar ye sahi hai to sahi hai. Very good. Siksha ne haath uthaya hai. I will go to Siksha. Siksha, okay. It is true. T-R-U-E. Next. Housefly spread malaria. True or false? Siksha, unmuted ho beta. Chalo bolo. House flies spread malaria. True. Hi. मक्खियों के काटने से मलेरिया होता है. False. तो क्या होगा? अच्छा ये तो बड़ा इजी है. सही नहीं तो गलत होगा. तो सही बताओ क्या होगा? False. तो किसके कौन स्प्रेड करता है? Name that insect which spreads malaria. It is there on the board. Female anopheles mosquito. So number three is false. False likh le. Next, Aedes mosquito spreads dengue. Kya ye sahi hai? Aedes mosquito spreads dengue. Is it right?
True. It is true. Confidence. You people lack in confidence. आपको पता है, you should give it, give the answer with a bang. एक bang के साथ जवाब देना चाहिए. Yes, I know this answer. It is true. Very good. Bubonic plague is caused by a mosquito. अपने आप को mute. देखो आ गया. Bubonic plague is caused by mosquito. False. It is caused by fleas, which is found on किसके ऊपर. It is caused by a flea, which is found on. Please बताए ना. They're the flightless, they're the wingless insects which suck blood. तो ये किस, ये insect किसके ऊपर पाया जाता है? कौन बोलेगा? Nobody. अरे कोई बता दो बच्चे. अरे बच्चे बुक देख रहे हैं. मंचिका शर्मा चल बोलो. Yes ma'am. बोलो जल्दी बोलो. विंगलेस इंसेक्ट एंड सकर, ब्लड सकर कौन है, किस पे पाया जाता है? द फ्ली विच कॉजेस बुबोनिक प्लेग इज फाउंड ऑन द रोडेंट्स. इट्स फाउंड ऑन द रोडेंट्स यानी रैट्स के ऊपर ये फ्लीज मिलते हैं. ओके, वी हैव, वी आर अगेन रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम. 1 मिनट का टाइम है, हम लोग एमसीक्यू करेंगे फटाफट. टेक यू पेंसिल विथ यू. द इंसेक्ट्स दैट यूजुअली स्प्रेड जॉन्डिस, कौन सा इंसेक्ट करेगा? क्या ये मॉस्किटो है, क्या ये वैस्प है, क्या ये हाउस फ्लाई है, क्या ये बटरफ्लाई है? चलो इसका आंसर मैं दे देती हूँ, हाउस फ्लाई. ठीक है, हाउस फ्लाई. हनी बीज मेक हनी फ्रॉम, चलो इसका जवाब तो हम लोग, शायन अब्दुल्ला जल्दी बोलो. यू हैव गॉट 4 ऑप्शंस विद यू. हनी बीज मेक हनी फ्रॉम लैक, नेक्टर, मिल्क, शुगर. मैम नेक्टर. वेरी गुड, टेक नेक्टर. शायन अब्दुल्ला अपने आप को म्यूट नहीं करेगा. दूसरा बताओ. द स्टिंग ऑफ द इंसेक्ट लाइक बीज एंड वैस्प इज लोकेटेड ऑन देयर. द स्टिंग है जो बीज एंड वैस्प के बॉडी में होता है वो कहाँ होता है? विंग्स पे होता है, बैक पे होता है, माउथ पे होता है या लेग्स पे होता है? कहाँ होता है शायन, बोलो. मैम बैक. इट्स एट द बैक. ओके चलो म्यूट कर लो अपने आप को.